अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसका पेपर टू ज्योग्राफी यस जियो और जीने दो। अच्छा, इसकी अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें या गेस्ट पेपर की बात करें तो 5 ऐसे यूनिट्स हैं जिन्होंने हर साल पेपर में 25-25 के परस्पेक्टिव से लाजमी आना होता है। 25 मार्क्स जो है वो उसके बेस पर आते होते हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यानी जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं जिसके अंदर आपकी जो नेचुरल टोपोग्राफी आती है, देन उसके बाद क्लाइमेट है, वाटर रिसोर्सेज, ये जो 3 यूनिट्स हैं इनको एग्जामिनर यानी कि कैम्ब्रिज के परस्पेक्टिव से इसको एक यूनिट कंसीडर किया जाता है। और ये 25 मार्क्स का एक सेट आपके पास आएगा, इसको तो बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। और इसके बाद आपका जो सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ऐसा यूनिट है जिसके बगैर कोई भी पेपर जो है कैम्ब्रिज का, चाहे वो नवंबर सीरीज़ का हो चाहे वो जून सीरीज़ का हो, वो इनकम्प्लीट होता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 7 की, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बहुत अच्छा तैयार करें इसको, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है, आप उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू करें और फिर इसके ज़्यादातर टॉपिकल बैठ के सॉल्व करें, क्योंकि ये तो हर हाल में पेपर में आने जा रहा है और 25 मार्क्स ही इसके अंदर आते हैं, यानी एक यूनिट के अंदर 25 मार्क्स। ओके, अब इसको 3 कैटेगरीज के अंदर मैंने वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसी तरह से इसको तैयार करें। इसके अंदर एक तो जो फर्स्ट पार्ट इसका है वो वाला, देन मेन क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, और फिर लाइफ स्टॉक ऑफ जो पाकिस्तान की लाइफ स्टॉक है उसके बारे में उसमें हिस्से में मैंने डिवाइड किया। अच्छा, खैर, इसके बाद एक ऐसा यूनिट जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरह का ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पेपर में आता है, वो है यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 का नाम है आपका पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का मिक्सचर है ये, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। सो ये 5 ऐसे यूनिट हैं जो 75 मार्क्स तो आपके यहीं पूरे कर देते हैं, यानी यूनिट 1, 2, 3, उसके बाद यूनिट नंबर 7 एंड देन यूनिट नंबर 12। तो ये तो होगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसके बगैर तो आपने पेपर में जाना ही नहीं है। ये तो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि इसको अच्छे तरीके से 5 यूनिट्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब यहाँ पर आपका स्कोर तो पूरा हो गया, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अपना समझ लें एक ऐसे ऑप्शन के लिए कि यानी हो सकता है इनमें से कोई ऐसी चीज़ जो आप गड़बड़ कर भी रही हो तो फिर आपके पास ऑप्शन भी होना चाहिए। तो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 8 इन्होंने भी लाजमी पेपर में आना होता है। 5 और 8 कौन कौन से हैं, इसमें से 5 जो होता है वो मिनरल रिसोर्सेज है और 8 जो है ये होता है पावर रिसोर्सेज, तो इनको भी मिक्स करके एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन देता होता है। तो इसके भी टॉपिकल करें तैयार, अच्छी तरह से तैयार करें, वीडियोज़ भी देखें, दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियो भी मौजूद है वो करें। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनके बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11। 9 होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है आपके पास, 10 को ट्रेड कहते होते हैं, और 11 जो है ये टेलीकॉम है, तो ट्रांसपोर्टेशन है टेलीकॉम, यानी एक मिक्सचर है। तो इन तीनों के ऊपर भी एक सेट जो है ये आता है 25 मार्क्स का, बिजनेस वाले बच्चे तो इसको ज़्यादा फोकस करें। और फिर उसके बाद जो बाकी हैं लाइक जैसे यूनिट नंबर आपके पास 6 है और यूनिट नंबर जो है 4 है, फॉरेस्ट और फिशरीज़, इन दोनों में ये चॉइस है उसकी, वो ज़रूरी नहीं है दे, लेकिन सम टाइम ये आए हुए होते हैं। बहरहाल ये सारे हैं आपके पास। अगेन मैं आपको बता दूं प्रायोरिटी आप क्या करें, यूनिट नंबर 1, 2, 3, उसके बाद यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 12, इसको पहले नंबर पे तैयार करें, यानी इसको सबसे ज़्यादा टाइम दें, टॉपिकल करें, इनके पास्ट पेपर से देखें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जब ये तैयार हो जाएं देन इसके बाद आप उसकी सेकेंड कैटेगरी की तरफ आएँ, वो क्या होगा, वो आपकी सेकेंड प्रायोरिटी है, वो होना चाहिए यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 8। देन इसके बाद आप ट्रेड वाली साइड पे आ जाएं, यानी बिजनेस वाली साइड पे आ जाएं, उनके 3-4 यूनिट्स जो हैं जैसे मैंने बताए हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करें। एंड देन लास्ट पे बेबी यूनिट्स, इनको मैं कहता हूँ यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 6। वीडियोज़ आपको ऑलमोस्ट हर यूनिट की मिलेगी, सेपरेट वीडियो मिलेगी। अगर कोई आपका यूनिट वीक है इसके अंदर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको जो है अच्छे तरीके से तैयार करें। सारी लिस्ट इस वीडियो के अंदर भी आपको मिलेगी, यानी कि सेपरेट यूनिट्स की, तो वहाँ से भी अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। दुआओं में आपने याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।